फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर फैसलाबाद के मकामी होटल में नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल के ज़ेर एहतमाम में एक अहम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू अमन इत्तेहाद और अदल इंसाफ था। इस मौके पर मेहमान खसूसी मियाम अब्दुल वहीद, चेयरमैन नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल पाकिस्तान, और मेहमान गिरामी सईद एजाज, हुसैन शाह, प्रोफेसर सनावर गिल और दीगर मोहसिन शामिल थे। सेमिनार में मुकर्रीन ने अपनी तकारीर के जरिए अमन, हम आहंगी और इंसाफ की अहमियत पर जोर दिया और माशरती हम आहंगी के फरोग के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर रोशनी डाली। सेमिनार की सदारत कौंसिल के चेयरमैन मियां अब्दुल वहीद ने की और नेशनल पीस एंड जस्टिस कौंसिल के अहम अहदेदारान ने भी शिरकत की। इस मौके पर शहर के मौजूद शख्सियात, सहाफ़ी और समाजी रहनमा भी शरीक हुए। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि आज के मुआशरे में अदल इंसाफ और अमन का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने इख्तलाफात को भुला कर इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग देना होगा, ताकि एक मजबूत और खुशहाल मुआशरा तश्कील दिया जा सके। सेमिनार में खसूसी शिरकत करने वालों में प्रोफेसर सनावर गिल, फादर खालिद रशीद आसिफ, फादर तौफीक यूनस, फादर शकील गिल, मिसेस साइमा सनावर, मिस आबदा इकबाल, सर मुश्ताक खुशी, मिसेस क्रिस्टीना पीटर, मिसेस याहीन एंथनी और गुलाम हुसैन साहब ने की। प्रोफेसर सनावर गिल ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अदल इंसाफ के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता और हमें अपने अदारों में इंसाफ के असूलों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। दीगर मुकर्रीन ने मुख्तलिफ माशरती मसाइल पर बात की और इनके हल के लिए मुश्तरका इकदाम की ज़रूरत पर जोर दिया। सेमिनार के इख्तिताम पर मुकर्रीन ने शुरका को अमन इत्तेहाद के फ़रोग के लिए अमली इकदाम उठाने की दावत दी और इस बात पर इतफाक़ किया कि नेशनल पीस एंड जस्टिस कौंसिल जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम माशरे में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। सेमिनार के इख्तिताम पर शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि वो मिलजुल कर मुल्क को एक पुरअमन और खुशहाल मुल्क बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे।